बात है, हाई कमांड के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया, ढाई साल ढाई साल ढाई साल लोगों में भी आ गया, विधायक जी भी सब गए वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाई कमांड ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की, और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। तो ओपन हो गया मामला, तो क्या था पहले से ऐसा मामला था? जो जो ये चर्चा तो हो गया, तो था कि नहीं था इसकी अब चर्चा तो होगी। एक खबर ये लेकिन भी है सर, कि जो कुछ लोग पर्यवेक्षक चिंतित आने हैं, वाले बहुत हैं लोग एक दो दिन चिंतित के भी अंदर। हैं सर। वो तो प्रक्रियाएं होती हैं, चिंता तो किसी को नहीं करनी चाहिए, हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है, और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं, सबके हित सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है, एक हम लोगों का लक्ष्य है, जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है, तो कोई भी परिस्थिति रहे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये सतत प्रक्रिया